मिलेगा हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या एक। जम्मू झज्जा में किसान आंदोलन को लेकर सड़क पर उतरे महागठबंधन संघ अन्य राजनीतिक दल। झज्जा से वसीम अकरम की रिपोर्ट। जमुई जिले में किसान आंदोलन को लेकर सड़क पर उतरे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ कई राजनीतिक दलों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में अपना समर्थन दिया। किसान बिल के खिलाफ में आरजेडी, कांग्रेस व सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की एवं सड़क पर उतर कर मुख्य बाजारों को बंद करवाया। इसके अलावा जमुई जिले के झज्जा रेलवे स्टेशन पर भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध को आक्रोश के रूप में उजागर किया। किसान बिल को वापस लेने अथवा उसमें संशोधन करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार को आश्वस्त किया कि अगर सरकार इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लेती है तो महागठबंधन के कार्यकर्ता तेजस्वी के आह्वान पर भारत बंद के अलावा अब सदन तक पहुंचकर पूर्ण रूप से आंदोलित होने का कार्य करेंगे। वहीं झज्जा में NH 333 कर्पूरी चौक झज्जा जमुई मुख्य मार्ग को भी इन सब ने जाम रखा। भारत ने जो किसान पर अत्याचार किया है, कारपोरेटो घरेना का बढ़ावा देने का काम कर रहा है और अंबानी का इस पर किसान विरोधी सरकार जो तानाशाही नरेंद्र मोदी जी करने का काम कर रहा है, आज जो पूरा भारत में हम लोग किसान के प्रति खड़ा उतरे हैं और हम लोग मरने जीने के लिए तैयार हैं और जो हक हकूक दिला के रहेंगे हम लोग किसान सारे, इसके लिए रोड पर सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। आज चक्का जाम है, पूरा भारत बंदी है, इसलिए के हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जेल भरो अभियान भी हम लोग का तैयारी हो रहा है धीरे धीरे। महागठबंधन के नेतृत्व में पूरा हम लोग एकता चट्टान के साथ मुस्तैदी के साथ रहेंगे। जय हिंद। धर्मेंद्र जी क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे क्या है? हमारी एक सूत्री मांग है, जो काला कानून लाया गया है किसानों के लिए उसे वापस किया जाए, उसे रिपील किया जाए। नो फार्मर नो फूड। आप बताइए रमेश मुखिया जी, आज जो देश में जो स्थिति आ गया है, ये स्थिति किसान के लेकर के बहुत खराब देखने को मिल रहा है। सरकार भी जो एक तरफ से बोल रहे हैं कि 3 दिसंबर का ही बात था कि किसान का जो मांग है ये तीनों मांग को हम लोग पूरा कर देंगे, और आज 12 से 13 दिन होने चला है जो देश भर के किसान आज दिल्ली में जाकर को बैठे हुए हैं, उस पर वो लाठी बरसा रहे हैं। मुख्य मांग क्या है रमेश, मुख्य क्या मांगे सरकार से? मांग है, मानिए कि बिजली बिल वापस किया जाना चाहिए 2020 का, और किसान का जो मुनाफा 1.5 गुना जो सरकार ने वादा किया वो भी पूरा होना चाहिए, और जो ये 3 ठो काला कानून का जो कोड बनाया है उसको वापस लेना चाहिए। स्थिति पैदा हो रही है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मनमाना हो रहा है, कभी रेल को बेचने का काम करता है, कभी सेल को बेचने का काम करता है। आज किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रही है, कोरोना काल में इन्होंने मनमाने ढंग से 3 ऐसे कानून को थोपने का काम किया, जो सरकार कहती है कि आपका धान को 1868 रुपया में लिया जाएगा, आज झज्जा का स्थिति देख लीजिए, पूरे देश का स्थिति देख लीजिए, 1000 रुपया से नीचे इन्होंने धान लेने का काम किया। आने वाले समय में इनका नीति ये रहा तो गरीबों किसानों तरह से जो मूल्य का जो अंतर है अंतर है उसका विरोध किसान कर रहा है, उसमें हम सारे दल के लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग सवेरे से अभी हम लोग अभी पूर्वार्थी सुपर को रोके अभी राजेंद्र यादव के नेतृत्व में, और हम लोग अभी पूरे झज्जा को अंबेडकर चौक से कर्पूरी चौक तक अभी हम लोग रोड पर काम करने जा रहे हैं। समय काला कानून को वापस लेना होगा मोदी सरकार को, नहीं तो और आज हम लोग किसानों के समर्थन में भारत बंद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। किसानों की समस्या जो है ये मोदी सरकार समझने का प्रयास नहीं कर रही है। आज आंदोलन का 12वां दिन है, बेचारे किसान इस ठंड में दिल्ली के विभिन्न चौक चौराहों पर
आंदोलन कर रहे हैं, संविधान के तहत जो है उनको जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को लूटने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, मंडी समाप्त कर रहा है, किसानों का हक मारने का काम कर रहा है, किसानों का सारे लोग एक ही मांग किसानों का किसानों का हक कभी भी मारने नहीं देंगे, इसके चलते हमको सड़क से सदन तक आंदोलन करना पड़ेगा तो हम आंदोलन करेंगे। थैंक यू। लोकतंत्र का हत्या कर हम किसानों को भाई जबरन राजतंत्र स्थापित करना चाहता है। हम क्या खेत में किसान खटेंगे, खेत में हम लोग बिया डालेंगे, तेल डीजल महंगा लगाएंगे और रेट निर्धारण वो करेगा, दो गुना करेंगे, दो गुना कहना किसान, हम कहना किसान के साथ अगर अन्याय करोगे हम लोग रोड पर आंदोलन करेंगे, बारो करो की स्थिति। सरकार से ये पूछना चाहता हूँ जो आज सरकार का जो नीतियाँ है विरोध में, जो काला कानून ला दिया किसान के लिए, किसान का रेट फिक्स करे और सही दाम पर तेल का दाम, किसानों के हित में खाद बीज छूट दिया जाए और किसानों का जो कानून लिया वो कानून आपस लिया जाए न, हम लोग बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियां के साथ हम जन लोग जन आंदोलन करेंगे। बोलिए जल्दी। आज जो देश के अंदर किसानों और मजदूरों पर हमला हो रहा है, किसानों का बिना पूछे उसके खिलाफ काला कानून पास कर दिया, जब देश के मजदूर नहीं चाहता कि ये हमारी मांग है इसको खत्म करो, आज ये सरकार मजदूर और किसान विरोधी हो गई और ये उद्योगपति टाटा बिरला अडानी अंबानी की सरकार बन गई है। यह काला कानून जो भारत सरकार ने किसानों पर जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है, यह तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसान हित में इस बिल को संशोधित नहीं कर दिया जाता है। यह कानून निश्चित रूप से किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है और जबरदस्ती लोक लुभावन बोल करके किसानों के साथ ठगा जा रहा है, किसानों के साथ छल किया जा रहा है। यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक किसानों के हित में बिल को संशोधन नहीं किया जाए। किसानों की बात सरकार सुने और किसान के हित की बात जो करते हैं तो किसान अपने हित की बात आपके समक्ष रख रहा है, आप उनकी मांगों को माने और जब तक उनकी मांगों को नहीं मानेंगे तब तक हम लोग रोड जाम और रेल चक्का जाम कायम रखेंगे, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और किसानों के हित में सुनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र को कारपोरेट जगत के हाथों में बेचना चाह रही है केंद्र सरकार। नेपथ्य का जो एजेंडा है, किसान पूरे देश का किसान इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ है और हम लोग किसान के आंदोलन को समर्थन देने के लिए तब तक खड़ा रहेंगे जब तक काला कानून ये वापस नहीं होगा। भूषण यादव पूर्व मुखिया खुरंडा